इतनी बढ़िया लुक आ रही है देखो। वाह क्या कहने, बच्चू सा लग रहा है, बच्चू सा। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है मेरे सारे भाई बहुत अच्छे होंगे। भाई कल मैंने बोला था कि आज की वीडियो में कुछ और कल की वीडियो में कुछ होगा, तो आपने देख ही लिया है। हमारे पीछे शेर तैयार कर दिया हमने एक दिन में, क्योंकि भाई चीजें पहले से ही मैनेज कर रखी थी हमने, फोन पे हमारी बातचीत हो रखी थी, कपिल भाई के फोन आए हुए थे, पहले ही से तैयार करवा दिया था सब कुछ, फोन करके ही सब कुछ हो जाता है भाई आज के टाइम में। बस गए इसलिए थे हम, वहां जाने के बाद हमें चीजें थोड़ी सारी चीजों का कंपैरिजन पता चल जाता है, उसमें हैवी हल्की भारी थोड़े बहुत पैसों का फर्क होता है, पर जब हम फोन पे बात करते हैं वो चीज समझ नहीं पाते, इसलिए गए थे हम कि मजबूत चीजें लेके आएंगे, अलग चीजें, तो भाई अलग ही लेके आए हैं। शामली का नंबर एक ट्रैक्टर बना के भेज रहे हैं कपिल भाई आसू भाई के लिए। भाई अभी तक का तो कोई ट्रैक्टर वहां पे होगा नहीं, पावर में भी इसका काम अच्छा करवा के भेजेंगे, पर इस भाई को उतनी पावर नहीं चाहिए। ये कह रहा है मेरा एवरेज नहीं दे रहा ट्रैक्टर, सिर्फ एवरेज का काम कर रहे हैं इसमें। कहीं कोई बोले कि ये भेजा दब रहा है, भाई अभी पूछवा भी दूंगा, अगर ये पावर का बोल दे पावर तो ऐसी बना के भेज देंगे, पर नहीं, इसको चाहिए डीजल एवरेज। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, करो वीडियो एंजॉय, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूला करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देखो और कमेंट करके बताओ ट्रैक्टर कैसा लग रहा है। ले भाई दोस्तों, टायर वाला काम कल करवा के लेके आ गए थे हम, सेकंड प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं इसकी पावर का, क्योंकि जब टायर इतने बड़े हो गए हैं तो इनको चलाने के लिए पावर भी चाहिए, और पावर भी ऐसी नहीं चाहिए आम ट्रैक्टर जैसी, मतलब उनसे अलग लेवल की चाहिए, जैसे अपने योद्धा की है, अपने शेर की है भाई, मतलब हमारे पास आया तो कुछ नेक्स्ट लेवल करके भेजेंगे। ऐसे तो मॉडिफाई है ये ट्रैक्टर, पर ये बोलने का मॉडिफाई है, उस भाई ने इससे इतने पैसे लिए हैं, मतलब शर्म आती है लोगों के ऊपर कि भाई कम से कम कहीं तो सोच लो, कुछ तो सोच लो, कितने पैसे लिए थे भाई? हाँ इधर क्या कह रहा था, टर्बो मॉडिफाई है, अभी टर्बो खोल रहे हैं भाई इस ट्रैक्टर की हम, और रियली अभी मैंने भी नहीं देखी मॉडिफाई है, अगर हुई तो बताऊंगा कि मॉडिफाई है और कैसी मॉडिफाई है वो भी, और इसके साथ आपको मॉडिफाई वाली टर्बो की फोटो भी डालूंगा। और भाई सिर्फ एक ये डायफार्म लगाया हुआ है बस, कौन सा भाई ये डायफार्म, ठीक है, और इस ट्रैक्टर में भाई मेरे को नहीं लगता कुछ हुआ हुआ है। अब डायफार्म के 38,000 रुपये लगने लग गए तो भाई बस फिर डायफार्म भी तभी काम करेगा ना जब इसके अंदर कुछ होगा। अभी देख रहे हैं उसके नेक्स्ट वाला प्रोसेस, अभी टर्बो का और पंप का काम भी हो जाएगा, पावर का, जिसे कहते हैं पावरफुल झोटा बनाएंगे। और दूसरी बात भाई, टायर की लुक देखो, नया पहला शामली का ट्रैक्टर है भाई, मतलब ऐसे नहीं टेम्परेरी काम नहीं करवा के देते हम जो भाई आता है। अब रिम देखो भाई, सबसे जो देखने वाली चीज है, देखो भाई देखो देखो कितने हैवी वाले रिम है भाई, अपने पास विश्वास करके आया ना तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो भाई कितने हैवी वाले रिम तैयार करवा के दिए। अब एक बात बता, दोनों टायर जो डले अपने, कितने पैसे का फर्क हो गया? अगर ये टायर 600 नंबर और ये 16 नंबर कहीं और से डलवाते, ये बता कितना बेनिफिट हो गया होगा? 50,000 का लपेट का, और अंदाजा सा है थोड़ा ज्यादा भी होगा तेरे हिसाब से 50 का, तो चल तू कह रहा है, और अब पूरे काम होने में तो 3,00,000 रुपए का फायदा करवा के भेजूंगा भाई, मतलब कम से कम। और काम मतलब ये नहीं है कि सस्ता करवाएंगे तो काम नकली, काम बता कैसा होने लग रहा है, रिम कैसे हैं वो रिम देखियो, कितना फर्क है इस रिम में और इस रिम में बताओ, देखो भाई कितना फर्क है, दिन रात का फर्क है। और फ्रंट वाले चेक कर लो, ये चेक कर देख, क्योंकि खुद जाके जाने में बहुत फर्क होता है चीजों में, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, पैसों का थोड़ा ही फर्क होता है, पर भाई जब हम ऑर्डर करके मंगाते हैं वो चीजें आती नहीं, तो हमने ऑर्डर करके मंगवाए हुए हैं, बाकी सुधार भी हो रहा है, पहले इतने हैवी नहीं थे, जो टूटते हैं शिकायतें आती हैं, और भाई अपने निशु भाई ने किया है, अगर इनका सही आविष्कार देखो ना इन टायरों का, तो वो निशु भाई हैं, इनकी देन, उन्होंने ही किया हुआ है सारा ये आविष्कार, क्योंकि उन जितने पंगे किसने लिए हैं उन्होंने तोड़े हैं, हैवी से हैवी रिम तोड़े हैं, और तब उन्होंने तोड़े हैं उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है सब। देखियो भाई दुराइयो, 3 इंच का डिफरेंस है, 3-4 का, इसका डिफरेंस नहीं है इसमें, क्या है ये टायर है गोल, ये टायर है चौरस, देखो बीच में तो उठा हुआ है, पर तेरा तो फायदा ही हो गया, ये टायर चौरस है, सेफ इसकी ओके है, ये डालना ये डाल ले भाई,
है कि नहीं भाई? देख और बता, कोई पैसा भी नहीं लेने का, ऐसे डलवा देंगे जो मन करता हो। तेरी मर्जी भाई। और दोनों कहता हो दोनों डलवा दूं, दोनों भी डलवा दूंगा, बनवाऊं फिर तो अपना समान दिन तक आकर स्पेशल इसके पे ला दे दोनों। ये बेल्ट टंकल भर गया दुकान में, ये तो टर्बो वाकई फट जा, कर दूंगा इसको तो मैं दो मिनट में बाहर। नहीं अब तो फट जे वैसे, पर बता रहा हूँ तेरे को ये फट जाती, इसीलिए उसने तेरे को बोला था आरपीएम मत देना 2500 से ज्यादा, ये बूस्ट ज्यादा बना देती, हवा निकलती ना तो ये टूट जाती। बहुत सारे मिस्त्री हमें बोल देते हैं कि इसको बंद कर भाई, ईस्टर ये पहले इतनी सी है, ट्रैक्टर के आरपीएम 3500 हो जाएंगे तो फट जाएगी, तो सांस ही नहीं मिलेगा बेचारी को, छोटी टर्बो है तो कई गलतियां हो जाती। कल में और आज में डिफरेंस हो गया होगा बहुत ज्यादा, ट्रैक्टर अलग ही है, पहचान भी नहीं आ रहा है ना, पर भाई देखते चलो, ऐसा बना के भेजेंगे भाई को कि मजा आ जाएगा आप लोगों को भी देख के। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दियो। मेरे तो एक बात तो और बता दो, जब हम इसकी टर्बो और पंप खोल रहे हैं, हम आज नकचोज काट रहे हैं किसी का काम करे हमें, हम नहीं जो मॉडिफिकेशन करवानी है उसकी, वो डीजल पर्पज पर करवानी है ना, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर एवरेज अच्छी नहीं दे रहा, यही कारण है ना हमारा। तो अब इसकी एवरेज का काम करवाएंगे, ये तो है नहीं कि इसको 50 HP से मैं इसको 45-40 HP करवा दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। HP भी बढ़वाएंगे, पावर भी बढ़ाएंगे इससे तो, और एवरेज मतलब अगर तू कहता है इसको पावरफुल बनाना है वो भी करवा दूंगा, उसमें कम पैसे लगते हैं, बल्कि हमें डीजल एवरेज चाहिए। तो कल भाई कोई ये कमेंट मत करना, अब आज इसीलिए मैं भाई को पूछ रहा हूँ, अभी बता दे भाई, कल ये ना हो देख काम तेरे ट्रैक्टर में होना है, कोई देख के बोले फलाने ने करवाया था, क्या है ये ट्रैक्टर धुआं मार रहा दब रहा है, मतलब हमें तो ट्रैक्टर नॉर्मल चाहिए है, अगर फुल चाहिए तो अभी भी बता दियो तो वैसे ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई क्यों कपिल, ऐसा करवा के जाएंगे, डीजल भी कम लेगा, हाँ, पावर भी मारेगा, हाँ, और किसी से पीछे नहीं हटनेगा, बस बस आप मतलब 50 HP ट्रैक्टर से पीछे भी ना हटे, और एजेंसी वाले अगर कहे ना इतने बड़े टायर में भी, एजेंसी से नया ट्रैक्टर अगर आपके बराबर में चलाएंगे उससे कम डीजल लेगा, इससे आगे चलेगा, ऐसा करवा दूंगा। कोई बोले मेरे बराबर चला, कोई किस तू 75 HP के बराबर, वो करवा नहीं दे तो कोई बोल दे ये करवा के भेज जा भाई बागल वाले ने, क्योंकि हम वैसा करवा ही नहीं, पर्पज आपका जो दूसरा है उसी पर्पज से काम होते हैं ना। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो में बाकी सारी जो मॉडिफिकेशन बची हुई हैं, भाई पूरे खुले दिल से बोल रहा है कि काम होना चाहिए, मेरा शामली का सबसे नंबर एक ट्रैक्टर बनना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ही क्या हो गया, आगे आगे देखो होता है क्या। जुड़े रहो, दोनों भाइयों का चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ट्रैक्टर का नाम भी बताओ भाई एक अच्छा सा इस छोटे का। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, अगेन अगेन लव यू। देखो अभी डबल लाइयो, आगे भी लाइयो, मैं वहां गगड़ा दो, हां इंटा लग है ओ भाई जी, इंडिया का पहला ट्रैक्टर बन चुका है, एक नंबर एक साइड में 600-400 के, दो 1200 नंबर ए, और आगे भी क्या बनेगी ट्रैक्टर की साथ, नजदीक लगाओ भाई, बनवा दियो भाई, हम अभी नहीं लगड़नी चाहती अंदर भाई, कुछ अलग ही करवा के भेजेंगे। हाँ ये 100 दूर कर दो, हाँ बस बस बस, कौन सा वही बात आ जाए फिर, जिसा कहेगा अगला यार आप उसका करावांगे, आपा थोड़ी जबरदस्ती कर सका, ठीक है नहीं बात, ये डिफरेंस रेट का भी फिर बहुत आ जाए, गलत बात। अरे भाई देखो टेढ़ा हो गया ऊपर, तो भाई ईंट फस रही है अंदर, ईंट काट दो पहला, फ्रेम में भी नहीं आ रहा भाई, देखियो कपिल भाई अरे रे क्या बना दिया, देखो भाई मेहनत चल रही है एक रील बनाने के लिए, देख लो नहीं आ गया, ऊपर चढ़ेंगे, योगे बना दिया भाई रथ, पहली बार ऐसा किसी ट्रैक्टर के साथ हो रहा भाई, फर्स्ट टाइम, क्या खतरनाक लूप, गजब तकड़ी रील बन जाएगी, तो बनाएंगे भाई तकड़ी जैसी भी बनेगी देखेंगे,
आगी लुक। वाह जी वाह, क्या कहने, गजब। सेम टू सेम बिल्कुल। देखो भाई, दिल कर रहा हटा है ना, कसम से इतनी बढ़िया लुक आ रही है। देखो भाई, बच्चे लग रहे हैं किंग कॉन्ग और तो इनका सामने देखियो। इसने इधर ले ले, और भाई ये देखने में बच्चा जरूर है, ये काम का बहुत अच्छा। किंग कॉन्ग में अपनी जान बचा भाई, सबने पता ही आपने है कि नहीं। कर दे बस, आका कर थोड़ा सीधे रख टायर बस। भाई मजा आ गया कसम से, इस फ्रेम के लिए आधा घंटा लग गया ये फ्रेम तैयार करने के लिए, देख लो। और आधा घंटा बहुत सारे पैसे लग गए हैं तब जाके ये फ्रेम तैयार हुआ है ना। पर मजा आ गया भाई कसम से, फील ये अलग आ रहा भाई, देख देख के ही प्यार आ रहा जोंडियर में। मजा आ गया कसम से, बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने जोटे। और भाई बताओ कैसा मॉडिफाई होया अपना भाई आंसू वाला ट्रैक्टर। मतलब अपनी तरफ से तो आप कोशिश यही करेंगे कि पूरा A1 करके बेचेंगे भाई का। और सबसे मेन चीज़ है पैसे की बचत, भाई का पैसे की बचत करवाएंगे ओरिजिनल काम करवाने के बाद। क्योंकि भाई सबसे इस काम में बहुत, मतलब जब बंदे को नए को पता नहीं होता ना, उसके पैसे बच जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है भाई उसको। और नहीं तो भाई बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं जब हमें पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए कोशिश यही करते हैं हम कि भाई जो भाई कोई हमारे पास आ रहा है उसके पैसे बच जाएं। और यही है भाई, जैसे जिस भाई के पैसे बचेंगे तो उसको बेनिफिट होता है, तो हमें दिल को तसल्ली मिलती है, काम अच्छा जाता है कम पैसे लग के। ठीक है दोस्तों, कर लें अभी स्कीटर को खोलनी है, पंप खोलना है, म्यूजिक सिस्टम, बहुत सारे काम पेंडिंग है अभी तो स्टार्टिंग है, देखते चलो। तार डिवाइडर वो टंके पंखे लगा रखे, टंके लगा रखे, बंद कर के बाल 3000 रुपए वहीं पड़ जंदी अपना आप ही बेचारी। नुकसान का अगर था तो ठीक है, इतने चक्कर का दी दिए ही नहीं इसके, इतने चलाए आराम था, नुकसान हो जाता यार। तेल उठा के इंजन तक भी टर्बो हो, अगर तेल उठा जाए कई बार इंजन तक लेके बैठ जाए। इतने पैसे ले रखे इस काम के, काम हो नहीं रहा भाई। कोई बात नहीं भाई, जो कोई हो रहा बस तो भाई अपना अपना सूतान की बात है, बस छोड़ दे। ओके अगर लग जाए राख की लग जाए, और जिसका नहीं लगती लाख की लगती, वह बात हो रही है। पैसे भाई 45,000 ले रखे हैं, मम बुराई नहीं कर दे, टाइम लगा शुरू में मार पर कितनी गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपनी सेटिंग मिली थी मम बहुत, मैंने 2,00,000 रुपये कम से कम की मॉडिफिकेशन अब लगा रखे भाई, बहुत वेस्ट होया मार पे भी। शुरू में आदमी नहीं मिलता, बस नहीं तंग होना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, इसके पोल्टर दे भाई। ले भाई पंप भी खुल गया, टर्बो हमने कल शाम ने खोल दी थी। देखो काफ़ी कमेंट हैं कि टर्बो बदल देनी, बदल देंगे ले भाई, टर्बो भी बदल देंगे, पंप भी बदल देंगे, सब बदल देंगे। ये जे ना लाट मरवाई तो फायदा की है, आंसू को खुश करके भेजेंगे। आंसू तो खुश है, सोरा खुश है उनका, बढ़िया चल रहा है। निकल गया पंप बार भाई अपना, निकाल दिया। और इधर ये पेंट का चल रहा काम, एक साइड ज्यादा जाने लग गया, चल देख उस साइड तक थोड़ा टेढ़ा, एक बार ढीला कर लिया तो ढीला कर ले, थोड़ा जाके इधर होगा मैं कहूँ था, थोड़ा उड़ा रखना पड़ेगा। ले भाई टायर खोलने एक बार, क्योंकि पेंटर बुला रखा अपना, पेंट करवा देंगे, वहाँ से अच्छा पेंट नहीं होता, तो इसलिए हमने सोचा था कि यहीं करवा लेंगे, उसमें वहाँ ज़्यादा खर्चा भी ज़्यादा लेते हैं वो,
तो हमने सोचा यहीं करवाएंगे, ठीक है, सेंटर से मिल लेते बस। नट पहले लूज कर ली हमने, क्योंकि फिर बाद में तो उठने के बाद तो फिर जोर नहीं लगता, इसलिए एक बार जैक को इंटे इसलिए रखी हैं कि भाई जैक का भरोसा नहीं होता। पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको, काफ़ी बार हो चुका है, मैंने होते हुए देखा भी है वीडियोस वगैरह में, ट्रैक्टर गिर जाता है अकेले जैक से। तो इसलिए भाई आप भी नीचे सपोर्ट दे के फिर जैक लगाया करो, मतलब ऐसे ही मत छोड़ दिया करो टायर निकाल के, ठीक है दोस्तों। दिखाते हैं आगे क्या क्या करते हैं। लवे देखो, जैक से बिल्कुल ये फ्री कर दिया हमने ईंट नीचे रखने के बाद, वो टायर भी उठ गया, देखो सही है ना। इसके टायर खोलने पहाड़ हो रहा हमारे लिए, और वैसे लग कैसे रहा है देखना। ये कह देते हैं जॉन डियर का अगले टायर बहुत बढ़िया, देखियो क्या लग रहे हैं, बच्चू सा लग रहा है, बच्चू सा उधर रख दे अगे ट्रैक्टर का, अगे इधर घुमा लेना भाई, अगे तक भाई वहां तो मैं समूह स्वामी बाद में, अच्छा उधर ले दो, वो बिल्कुल ऐसी जगह देंगे ना माने तो करके भी चले जाएगा तो दिक्कत ना आवे, ठीक है कि नहीं, गलत नहीं कही भाई, ग्राइंडर फेरना पड़ेगा इसका थोड़ा थोड़ा, वो वेल्डिंग बाहर है ना भाई, ऐसे करके कर रहा हूँ, खोल के मुश्किल से निकाला हमने, पंगा क्या ले लिया, एक टायर निकाल लिया, एक जैक लगा के, उसके बाद हमें ही पता कैसे बहुत मतलब मुश्किल से काम पास किया है, फिर नहीं तो बात किसी तरह भी आ नहीं रही थी लाइन पे, बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया, पर चलो एटलीस्ट हम सक्सेस हो गए काम करने में। खुल के देखो अब इनको अच्छे से पेंट हो जाएगा, बिल्कुल ओके, पानी ले ले भाई दो ले, ठीक है हाँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने।